जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय चिराग पासवान जी के आह्वान पे पूरे बिहार में पुनः हम लोग धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम करेंगे। बिहार सरकार शराबबंदी लागू की उस समय हमारे समाज से ये वादा किया गया था कि हम लोग तारी को बंद नहीं करेंगे, भले सुनारा अवसर रोजगार लेकिन उन्हीं के द्वारा आज जब नशाबंदी का कार्यक्रम पूरे बिहार में लागू किया गया तो मेरा कहना है जब प्रकृति के द्वारा रस दिया गया है जिसे नशा के दायरे में किस तरह रखा गया, अगर नशा के दायरे में आप इसे रखते भी हैं तो आपने पासी समाज के लिए क्या उनके उत्थान के लिए कोई कदम उठाया है? आज पासी समाज का कोई बच्चा तारी उतारने के क्रम में अगर घायल होता है तो क्या आप उसके जीविका के लिए उसके परिवार के लिए क्या किसी सर्विस का व्यवस्था आपने किया है? या फिर जो पासी समाज तारी उतार कर आज पूरा परिवार का भरण पोषण करता है अगर उसको आप जेल में बंद कर देते हैं तो फिर उसके परिवार का भरण पोषण करने की जिम्मेदारी क्या बिहार सरकार उठाती है? मेरी मांग है इस धरना के माध्यम से अगर उस पासी समाज को उचित उनको मानदेय नहीं मिलेगा, उचित उनके साथ अन्याय नहीं किया जाएगा तो लोग जब इसका हम लोग प्रोसेसिंग करेंगे, कई सारी फैक्ट्री लगाएंगे जिससे रोजगार मिलेगा। इस समाज में ये अब स्थिति ये आ गई है कि भूख मरने की स्थिति पैदा हो गई है। इस समाज में कोई भी व्यक्ति तारी उतारने जाता है जो इनका पैसा है, पुश्तैनी पैसा है, उस पैसे में जो भी जाता है पुलिस उसको पकड़ कर जबरन बंद कर देती है। अब बताइए जब वो अपना कारोबार नहीं करेगा तो वो कैसे घर चलाएगा? तो हमारी मांग है कि जो भूमिहीन पासी है उनको 5 डिसमिल जमीन दी जाए और जो पासी जिनको रोजगार नहीं है उनको रोजगार मुहैया किया जाए और तब जाके ये नई नीति लागू की गई है तारी बंद करने की, तब तक ये तारी को हमारे समाज को फ्री किया जाए, उतारने को और इसको बिक्री करने को दिया जाए, बेचने को फ्री किया जाए। उनको बड़ा सुनहरा समय